happy anniversary. Dhanak. On completing 5 years. तो हमने सोचा कि उस जगह टेलीविजन रख देते हैं, तो टीवी हमने रख दिया, उसके ऊपर हमने एक टेबल लैंप रख दिया, दो घोड़े और एक कीमती लोटा रख दिया। टेलीविजन पर दो घोड़े और एक लोटा, इसमें हैरत की क्या बात है, हैं? जब टीवी खोलो तब भी तो यही कुछ आ रहा होता है। ऊपर से मजे की बात बताऊं आपको कि इतना प्यारा वो आपस में सेट हुआ है, लाइट ब्राउन सोफा तो डार्क ब्राउन टीवी, बहुत ही अच्छा बन गया। इसका मतलब हुआ आप पीटीवी नहीं देखती? हाय हाय, सबके जाऊं, मेरी बात पहली दफा किसी ने समझी है बड़ी गहराई के साथ। गहराई का मतलब पता आपको? जी हाँ जी हाँ। अच्छा अच्छा, आपके पास डिश है? हिश डिश मेरे पास सालन निकालने के लिए डिश नहीं है। कभी आलू गोश्त पका लूं शोरबे वाला तो स्यापा पड़ जाता है, मुझे ग्लास में निकालना पड़ता है या कभी गमले में निकाल लेती हूँ। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, पहले मैं सिर्फ पी टी वी ही देखती थी। मैं तो अभी भी सिर्फ पी टी वी देखता हूं। तो बस तफार है, इस मुल्क में तो नॉर्मल लोगों का इलाज मुमकिन नहीं, तो पागलों का इलाज किधर से होगा? पागली होए, पागली होए, पागली होए, पागली होए का मतलब आता आपको? जी जी। अच्छा आप ये तो बताएं कि आप वैसे पीटीवी देखते किस लिए, आपको मिलता क्या है उसमें? ये मेरे मुल्की चैनल है जी। अच्छा, मुल्की हालात देखे जाते हैं आपसे, जो मुल्की चैनल देख लेते हैं आप? मैं जी 9:30 बजे के बाद देखता हूँ। हाय, 9:30 बजे के बाद तो इतने प्यारे प्रोग्राम आते हैं टेलीविज़न पे जिसकी कोई हद नहीं है। लोग खबरनामे के बाद हालात हाजरा, हालात गैर हाजरा और वक्फ़ सवालात, वक्फ़ हातलात, सफ़ेद सूंडी, असेंबली की कार्रवाई, कल के प्रोग्राम। अरबी में खबरें, लो भाई जिसको कल की खबर नहीं है वो कल के प्रोग्राम कैसे बता सकता है? अब आप खुद सोचें कि कल के प्रोग्राम आप तब बताएं जब आज के प्रोग्राम दिलचस्प हो। तो आपको दिलचस्प का मतलब आता है? जी जी। अच्छा छोड़ें ना, छोड़ें। छोड़ूं कैसे, 3 दफा बात कर चुकी, हक मेहर दे तो छोड़ूं ना। मैं टेलीविजन की बात कर रहा हूं आपसे। अच्छा आप सोशल वर्कर हैं, सोशल वर्क क्या होता है? सोशल वर्क, अच्छा सवाल उठाया है वैसे काका तुमने। सोशल वर्क वो होता है कि जिसमें, देखो जी पहले तो खतून को सोशल होना पड़ता है, तो फर्क खुद ब खुद ही निकल आता है। मैं समझता हूँ सोशल वर्क जो है वो गरीबों और यतीमों की मदद करने को कहते हैं। हाँ, तो जितनी गरीबों और यतीमों की मदद मैंने की है उतनी शायद ही किसी ने की हो। शायद का मतलब आता है तुम्हें? जी जी, मुझे आशा है। क्या आपने क्या मदद की? ले, 2 यतीमों से शादियाँ कर चुकी हूँ और 2 गरीबों से कर चुकी हुई हूँ। तो जो मेरे चौथे शौहर हैं ना, वो जो हैं वो गरीब भी हैं यतीम भी हैं, उनमें दोनों क्वालिटियाँ बड़ी अच्छी मौजूद हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन बड़ी मुश्किल से नसीबों वालों को मिलता है। कॉम्बिनेशन का मतलब आता है आपको? जी जी, मुझे आता है। अच्छा, तो आप अपने शौहर को मतलब उनके बारे में मालूम करके शादी क्यों नहीं करती? मालूम कैसे करती, कोई जानता ही नहीं था उनको भाई, गुर्बत में आके चमका तो गुमनाम था वतन में। अच्छा आपके पहले जो 3 शौहर थे उनको क्यों छोड़ा आपने? देखे, जो मेरे पहले शौहर थे ना, वो थे जापानी गरीब। वो क्या करते थे कि इतना मैं अल्लाह ताला के आगे नहीं झुकती थी जितना वो मेरे घर वालों के आगे, और मेरे आगे इस तरह हर वक्त सड़ गई थी। मैंने सड़ के चिड़ के छोड़ दिया। मैंने चिड़ का मतलब आता है आपको? जी जी। अच्छा चले ना, ये तो आपका जाती मामला है। ये बताइए हिट प्राइज में आपको क्या इनाम? अच्छा ये जो आप शादियाँ आपने 4 की, एक सवाल तो मजे का रह गया, ये जो 4 शादी की चोड़े सिलवे? नहीं नहीं, मैंने क्या किया था कि पहली शादी पर वाशन वेयर सिलवा लिया था, तो वो तो ओके, तो चल भाई चल वाशन वेयर सिलवा लिया। अच्छा तो ये यहाँ कैसे आप आई, क्या इनाम मिला आपको? मोटरसाइकिल। क्या चीज? मोटरसाइकिल। ये क्या होता है? मोटरसाइकिल। तो इसका मतलब पता है आपको? जी मोटरसाइकिल का मतलब पता है। तो आपको मोटरसाइकिल चलाना आती है? ना, मुझे तो घर चलाना नहीं आता, मोटरसाइकिल क्या चलानी आती। तो फिर फिर ये तो फिर आप कैसे ले जाएंगे मोटरसाइकिल? ओहो भाई, वो आए हुए हैं ना गरीब यतीम पागल जाहिल काहिल बेवकूफ, वो मोटरसाइकिल अच्छी चला लेते हैं, बस चला के ले जाएंगे। मैं बेचारी रिक्शे पे घर चली जाऊंगी और क्या। तो आप रिक्शे पे क्यों जाएंगी, आप बैठ के क्यों नहीं जाती अपने मियाँ के पीछे मोटरसाइकिल पर? तो बस, तो फर्क कैसी बातें कर रहे हो नौजवान, तुमको हो क्या गया भाई?
वो पीटीवी के ऊपर लड़का लड़की इकट्ठे बैठ के मोटरसाइकिल पे गए ना, तो टीवी वाले या तो मुझको काट देंगे या मेरे मियां को काट देंगे। तो वापस मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ का मतलब आता आपको? जी मुझे पता है। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ जी।